असी हमेशा मुद्दों से ही राजनीति केंद्रित रखा, पर क्योंकि कई बार जो कोई जवाब नहीं हुंदा और भगवंत मान एक कमेडियन होने के नाते यह कोई ना कोई तंज कसता रहिंदा दूजियां दे उत्ते, और जो कोई पत्रकार पूछते हैं कि खैरे ने आ क्या कहता, खैरा कौन है, खैरा ना खैरे का जवाब विधानसभा के अंदर देने लिए तैयार है ना बाहर देने लिए तैयार है, तो उल्टा मजाक करता कि जी एरा गैरा नथू खैरा। चलो मैं उस नथू खैरे च नहीं जाना चाहता, वह इतिहास मैं पहला समझा चुका, इन अपने इतिहास की भी वाकफियत नहीं। अज मैं तुहाडे नाल मसला यह साझा कर रहा कि भगवंत मान रोज हर स्टेज तो कहिंदा मैं रंगला असी रंगला पंजाब बना दिता वा, पंजाब दे विच पैसे की कोई कमी नहीं गी, खजाना तो भरिया पिया बिल्कुल, और पंजाब बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते तरक्की दे रास्ते तो वह सरासर झूठे बेबुनियाद बयान ने। आप सब नूं पता आप पंजाब च रहिंदे 13,000 पिंडां च पिछले 2 सालां च कोई चज की नवी इट नहीं लगी, पंजाब दे विच कोई मैने खेज अच्छा प्रोजेक्ट पंजाब दे विच लॉन्च नहीं किया गया जिहदे नाल ऐ लगे कि पंजाब वाकई ही विकास के राह ते आ। और अज तां हुण इहदे सारे जिहड़े झूठे दावे से उन्हां दी टोटल फूक के कढ़ के रखती, कहने कढ़ी है मैं नहीं कढ़ रहा, इधर उधर कोई होर असाधारण। RBI की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट जिहड़ी अज दे मेन सारे अखबारों के छपी है, और RBI की रिपोर्ट की कह रही है, RBI रिपोर्ट स्टेट्स डेट टू GSTP रेशो हाईएस्ट एट 48%। आप सारे जाने के जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैगा वो साड़ी कुल टोटल होंद नू दसदा वा कि साडा इस वक्त की सरमाया वा पंजाब दे कोल ते पंजाब दे वित्ती हालात की ने, उहदा 48% जिहड़ा है उस GDP दा कह लो सादे लफ्जां विच 48% यानी कि अद्धा वो पंजाब दे सिर दे उत्ते कर्जा, ते इह सारे देश विच हाईएस्ट रेशो आ टू GSDP। और इहदे च 2-3 पैरामीटर तुहाडे नाल डिस्कस करने बड़े इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला उन्होंने कहा कि पिछले इन्हां दे राज विच सिर्फ 3.6% जिहड़ी आमदन आउंदी स्टेट दी उहदा सिर्फ 3.6% कैपिटल एसेट बिल्डिंग विच गया वा, जिन्नी भी सानू आमदन आउंदी चाहे वह शराब तो आउंदी आ चाहे वह रजिस्ट्रियां तो आउंदी आ चाहे वह माइनिंग तो आउंदी आ, फर्ज करो 100 रुपया आमदन हुई स्टेट नूं, उहदे चों जिहड़ा कैपिटल एसेट बिल्डिंग हुंदा कि कोई नवीं चीज़ स्टेट ने बनाई, कोई नवां हाईवे बनाया, कोई नवां स्कूल बनाया, कोई नवां हॉस्पिटल बनाया, कोई पिंडां दे विच ग्रांट्स दित्तियां, जिहदे नाल एसेट मतलब कि अपना एक सरमाया खड़ा हो गया पंजाब दा, उस 100 रुपये की आमदन चों केवल 3.6 रुपये सिर्फ 3.6 रुपये कैपिटल एसेट बिल्डिंग विच भगवंत मान सिंह जी तुहाडी सरकार ने लाया वा। दैट मीनस बाकी सारा पैसा खुरद बुरद हो रहा, हुण बाकी कित्थे जा रहा वा, आ देखो 24.2% जिन्ना भी आमदन साढ़े को रेवेन्यू रिसीट्स आउंदियां ट्रेजरी दे विच 24.2% सिर्फ जिहड़ी मुफ्तखोरी दी आपां पॉलिटिक्स कीती हैगी पावर सबसिडी नूं जा रहा वा, मतलब कि चौथा हिस्सा साड़ी स्टेट की आमदन का हर साल वो सिर्फ बिजली बोर्ड की जिहड़ी सबसिडाइज की आ पावर सबसिडाइज की आ उहदे विच जा रहा। असी गरीबां नूं सहूलतां दे खिलाफ नहीं कि मैं तो सिर्फ अज तुहानूं स्टेट की फिस्कल हालात की ने उहदी वित्तीय हालात की पंजाब दे वह बिल्कुल RBI रिपोर्ट चो तुहानूं कोट करके कह रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट होर इसे नाल कनैक्टेड है जिहड़ा आपां पिछलियों कर्जा चक्या होया, असी मान लिया कि मगरलियां सरकारां बहुत माड़ियां सी और कर्जा भी पंजाब दे उत्ते चढ़िया, इहदे च कोई शक नहीं गा, ताइयों तो लोगों ने मौका दिता कि असी एक नवें सिस्टम नूं अडोप्ट करके देखिए शायद यह परिवर्तन ले आउण ते बदलाव लैके आउण, बदलाव ही इन्हां दा नारा सीगा। लेकिन इस हो की रहा कि गौरमेंट ने इस वरे वित्तीय साल विच जिहड़ा सिर्फ व्याज मोड़िया वा, सुन लो हुण चंगी तरहां, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मोड़ रहा हले, 25,524 करोड़ रुपया कला रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोनज आ लाल दे विच लास्ट कॉलम जिहड़ी आ वो ए आ, अच्छी तरह देखो तुसीं रीपेमेंट ऑफ रेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 23,524 करोड़ रुपये, तो छोटा जा एरर हुंदा, ऑलमोस्ट चौथा हिस्सा साडा जिहड़ा हैगा नहीं हाँ चलो मतलब 25,000 करोड़ रुपये के नेड़े तेड़े कला व्याज की अदायगी जा रहा वा। और इस तो अलावा 2 पैरामीटर होर ने
उन्होंने कहता कि जी 2023-24 वास्ते आ, क्योंकि वित्तीय रिकॉर्ड बहुत माड़ा है, यदि जी बोरोइंग लिमिट होगी पंजाब की वह असी कट्टन जा रहे हैं, और रेशो ऑफ इंटरस्ट पेमेंट टू रेवन्यू रसीट्स आप दस दिता वा, पावर सबसिडी दस दी है, स्टेट बोरोइंग तुम्हें मोटे तौर पर, और इतना इनू कमेंसरेट करता, इनू मतलब कि होर पुख्ता करता वा जिहड़ा गवर्नर पंजाब ने चिट्ठी लिखी पिछले दिनों भगवंत मान नूं। आफ्टरऑल गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन आ, ठीक है भगवंत मान का उहदे नाल झगड़ा चल रहा, वह चलता रहूगा, लेकिन आ उन्हें पुछा गवर्नर नूं कि पिछले कुछ इन्हां दे राज विच 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा होर स्टेट ते वधिया वा, जिहड़ा कहिंदे ना कि रंगला पंजाब है, पंजाब का खजाना तो भरिया पिया वा, इहनूं जी मगरले कहिंदे सी जी खजाना खाली है, जिहड़ा खजाना खाली हुंदा उह खजाना थोड़ा जिहा पीपा हुंदा, इह सारे थिएट्रिक्स हुंदे ने, इह सिर्फ आम लोकां तक गल कोई चुटकलियां विच पहुंचाउण वाली हुंदी, लेकिन की भगवंत मान अपने ही लोकां नूं पंजाब दे सिचुएशन वित्तीय हालात बारे सच बोल रहा है? मेरे हिसाब दे नाल उह सरासर झूठ बोल रहा वा और गुमराह कर रहा लोकां नूं, और इन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते पब्लिसिटी दे पैसा खर्च कर रहा वा। सनअतकारां दी मीटिंग अमृतसर होवे सारे पंजाब दे विच बोर्ड लग जांदे, लुधियाने च होवे सारा शहर भर जांदे ने, मोहाली दे विच होवे तां तुसीं देखिया तुहाडे कोल वीडियोज़ आ गईआं कि कोई बिजली का खंभा नहीं छड्डिया, कोई पुल नहीं छड्डिया, कोई होर जगह नहीं छड्डी, जिहड़ा सगो प्लास्टिक एक एंटी एनवायरमेंट इस वक्त दुनिया भर च मन्निया गया, बहुत सारे देशां अपने सूबियां ने हिमाचल प्रदेश ने बंद किया होया, लेकिन यह बदलाव पार्टी जिहड़ी आ इन्हां ने सारा पंजाब प्लास्टिक दे फ्लैक्स बोर्ड ला ला के भर दिता वा, अखबारां भर दित्तियां ने, देश विच दूजे थावां ते पब्लिसिटी करके कहता साडा असीं तां जी रंगला पंजाब बनाता, हुण रहिंदे तां आपां इत्थे की पंजाब वाकई ही रंगला है? इमानदारी नाल जिहड़े झाड़ू दे वर्कर्स ने, मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा कि तुसीं दस्स दिओ तुहाडे पिंड विच पिछले अपने अपने पिंड विच रिस्पेक्टिवली किन्ने क विकास के कार्ज खोले गए ने, किन्ने नवें स्कूल बनाए गए ने, किन्ने नवे हॉस्पिटल्स जिहड़े क्रिएट किए गए ने, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट बिल्डिंग। तो जे आपां इदां ही मशकरियां वाली पॉलिटिक्स करनी आ ते एवें लोकां नूं झूठो झूठ ही तुरे जाणा वा ते मुफ्तखोरी की राजनीति करनी आ तो फिर पंजाब जिहड़ा वा उह कदी भी आर्थिक संकट चों नहीं निकल सकदा। लोगों को तो उम्मीद यह सी कि कहिंदे ने असीं बदलांगे आण के, बदलण दा तो मतलब यह सीगा कि तुसीं अपनी सिचुएशन ठीक कर दे, अपने खर्चे घटाउंदे, ते खर्चे कित्थे हो रहे ने, हज़ार हज़ार आदमी सिक्योरिटियां ते चल रहा वा, दो दो तीन तीन करोड़ दियां लैक्सस गड्डियां राघव चंडे चड्डे करके दित्तियां होईयां ने, और किन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते जहाज़ां दा दुरउपयोग हो रहा, हैलीकॉप्टर्स, पंजाब वर्गी स्टेट ने हुणे ताज़ा एक एयरक्राफ्ट फिर लीज, वो बेसिकली लीज किया वा अरविंद केजरीवाल नूं देश दे विच घुमाउण वास्ते किया वा, जद भी कितें केजरीवाल ने कितें देश विच जाणा हुंदा ते उह भगवंत मान नूं सीटी मार के बुला लैंदा कि आई जरा दिल्ली, ते भगवंत मान नूं नाल विच बिठाउंदा क्योंकि उत्तो बगैर उस जहाज का जिहड़ा हैगा वह खर्चा सारा केजरीवाल नूं पैंदा, इहनूं नाल बिठा लैंदा, कदी चल तमिलनाडु, कदी चल बेंगलोर, कदी चल महाराष्ट्र, कदी चल कित होर, और हुण जिहड़ा राघव चड्डे का विआह हो रहा उत्थे तुसीं देख लिया खबर आ गईआं ना कि शायद 30 पंजाब दे सब इंस्पैक्टर्स उत्थे वेटर बनाए हुए ने, उत्थे लोकां नूं उहनां दी खाण पीण की सेवा ते साडे पंजाब पुलिस के सब इंस्पैक्टर्स, और शायद मैनूं कोई दस्सिया सीगा कि 40 के करीब नवीं जीप्स कढ़ाइया, बलेरो जीप शर्ट कढ़ाइया पंजाब पुलिस ने, डीजीपी साहब को दिखना चाहिए वा, वो इन्होंने गैस्टा ढोआ ढवाई तो लाइया ने, और एडे वे पद्धर उत्ते पंजाब की सिक्योरिटी कमांडोज लेके घूम रहे ने राजस्थान च, राजस्थान जिहड़े कहिंदे सी हम तो सादे से आदमी हैं, हम तो घर नहीं लेंगे, हम तो गाड़ी नहीं लेंगे, घट्टो घट साडा 100 पंजाब का 6 फुट 4 इंच जवान कमांडो सिख जिहड़े ने इन्हां दे मगर फिरदे ने इन्हां दी राखी करन वास्ते, जदके प्रोटोकॉल कहिंदा कि जदों कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी डिग्निटरी किसी होर स्टेट विच विजिट करदा उहनूं जिहड़ा जिहड़ी कैटेगरी का सिक्योरिटी का बछिंदा हुंदा उहनूं उत्थे उह स्टेट प्रोवाइड करदी, फर्ज करो जेड प्लस सिक्योरिटी है केजरीवाल कोल या जेड सिक्योरिटी हैगी आ भगवंत मान कोल, उह राजस्थान की सरकार की जिम्मेवारी कि उन्होंने उत्थे इहनूं अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अनुसार मुहैया करवाउणी, पर उहदे नाल खुश नहीं गए, इह साडी पंजाब दी इत्थों होर लद के नाल ले जांदे ने, ग्रॉस मिसयूज ऑफ पंजाब पुलिस और क्रॉस मिसयूज ऑफ पंजाब पब्लिक एक्सचेकर, और इस करके पंजाब दे सिर पिछले इन्हां दे राज विच 50,000 करोड़ रुपये का कर्जे विच वाधा होया, अगर इस स्पीड नाल चलणगे वो दिन दूर नेगा जद राज छड के जाणगे तो साडे सिर उत्ते 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो, ठीक है वोटां लैण वास्ते तुसीं लोकां नूं नारे लाउने, और मैं इस गल का मुद्दई हाँ कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स
ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੀ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਚੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਬੌਖਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ। ਵਾਟ ਦੇ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪੈਰ ਦੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆਪ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਹ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਰਾ ਗੈਰੇ ਨੱਥੂ ਖੈਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲੱਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ